Our next topic is average atomic mass. Average atomic mass. बच्चों अगर अपन बात करते हैं, अगर आपने पीरियड टेबल देखो, if I am asking कि भाई कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, तो दिमाग में क्लिक होता है दैट इज 12. बट कार्बन तो मुझे C12 भी मिल रहा है, मुझे C13 भी मिल रहा है, ठीक है. लेकिन मैं 12 भी क्यों ले रहा हूँ, 13 क्यों नहीं ले रहा. तो एक्चुअल में आपके पीरियडिक टेबल में जो एटॉमिक मासेस लिखे हुए होते हैं, दीज ऑल आर एवरेज एटॉमिक मासेस. अब इस कंसेप्ट को अपन समझते हैं, भाई एवरेज एटॉमिक मास की बात करें. जैसे मान लीजिए मैं कार्बन के एग्जांपल से ही लेके चलता हूँ कि भाई जो नेचर में कार्बन है मुझे किस किस फॉर्म में मिल रहा है. इन नेचर कार्बन इज फाउंड एज अ मिक्सचर ऑफ C12, मान लीजिए C12 और C13 के फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है. अब C12 का कुछ अलग परसेंटेज होगा, C13 का कुछ अलग परसेंटेज होगा, C14 का, मतलब कुछ भी होता है अलग अलग परसेंटेज होते हैं. तो भाई किसी का भी मुझे परसेंट, अपन सबका एवरेज निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास. और जो भी पीरियोडिक टेबल में मुझे मिल रहा है ना भाई, जो लिखा हुआ होता है एटॉमिक मास, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास होने. तो एवरेज एटॉमिक मास मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो मैं बोलूँ भाई, व्हेन वी यूज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स इन कैलकुलेशंस, एक्चुअली व्हाट वी आर यूजिंग एवरेज एटॉमिक मासेस. अच्छा ये तो पता है भाई आइसोटोप्स क्या होते हैं. भाई आइसोटोप्स मीन्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे C6-12 एज वेल एज C6-13. अगर मैं बात करूँ, इफ आई एम सेइंग C6-12 एंड C6-13, तो दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. तो बेटा ये क्या हो गया भैया, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दीज आर आइसोटोप्स. आई थिंक यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस थिंग्स. तो भाई अगर मैं बात करूँ, भाई नेचर के अंदर कोई भी एटम होगा वो अलग अलग आइसोटोपिक फॉर्म के अंदर होगा, होगा नहीं होगा. तो भाई हो सकता है इसका कुछ परसेंटेज हो, इसका कुछ और परसेंटेज हो. तो अपन दोनों का जो मासेस का एवरेज निकालते हैं, दैट इज़ द एवरेज एटॉमिक मास. तो मैं आप क्या बोलना चाह रहा हूँ भाई, व्हेन वी यूज एटॉमिक मासेस ऑफ एनी एलिमेंट इन कैलकुलेशन, एक्चुअली वी आर यूजिंग व्हाट, एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स. बिकॉज नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप्स. सो अपन क्या करते हैं भाई, उनका एवरेज निकालते हैं. जैसे सिंपल सा मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ. देखो भाई, एवरेज एटॉमिक मास किसी का भी निकालना है तो मान लीजिए जैसे C6-12 था, तो ये पहला आइसोटोप, C6-13 सेकेंड आइसोटोप. तो एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप दैट इज 12, उसका जो भी परसेंटेज अबंडेंस है, कितना परसेंट मुझे मिल रहा है, 90% मिल रहा है, 99 मिल रहा है, जैसे ही मिल रहा है. उसके बाद मान लीजिए सेकंड आइसोटोप भी होता, तो एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप दैट इज कितना हो गया बेटा आपका, 13 ले लेता इसके अंदर, और इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है. प्लस थर्ड भी होता तो उसके अकॉर्डिंग अपन पूरा करके टोटल कितना परसेंट लेके चल लिया अपन ने, 100. तो भाई दैट इज़ द एवरेज एटॉमिक मास. तो जो भी अपन पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मासेस लिखे हुए होते हैं, वो सब एक्चुअल में क्या होते हैं बच्चों, एवरेज एटॉमिक मासेस. अब मैं कुछ न्यूमेरिकल से इस चीज़ को और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है कि बोरोन एग्जिस्ट इन टू आइसोटॉपिक फॉर्म्स, दैट इज B10 एंड B11. एंड द एवरेज एटॉमिक मास, देखो बोरोन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज फाउंड टू बी 10.80 U. Then calculate the percentage abundance of both B10 as well as B11. Simple concept है भाई. अब इसका answer निकालने का अपन try करते हैं. देखो भाई, boron कितना isotopic form में है, दो isotopic form. जैसे मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ, let atomic mass of boron है, उसको मैं लेके चलता हूँ, मान लीजिए मैं मान के चलता हूँ बेटा B10 है. तो B10 का अगर मैं बात करूँ, मैं मान के चलता हूँ let परसेंटेज अबंडेंस ऑफ, भाई टोटल मिला के 100% हो गया, तो लेट परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B10 आइसोटोप, इसको मैं ले लेता हूँ बच्चों कितना ले लेता हूँ, X ले लेता हूँ. तो भैया परसेंटेज अबंडेंस ऑफ मुझे बताओ B11 कितना होने वाला है भाई, दो ही है तो ये कितना हो गया, 100 माइनस एक्स परसेंटेज हो गया, नहीं हो गया भाई. अब मुझे एक चीज़ बताओ, 100 माइनस एक्स हो गया, अब मुझे बताओ एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था भाई, एवरेज एटॉमिक मास. ठीक है, अब खुद देखो भाई, मेरे पास एक तो है B10-11 और एवरेज मास मुझे गिवन है 10.80 U. तो B10 मतलब इसका एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, दैट इज B10 का एटॉमिक मास कितना हो गया 10. इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना ले लिया अपन ने बेटा, X. प्लस मुझे बताओ B11 का एटॉमिक मास कितना हो गया बेटा, 11. मल्टीप्लाई बाय इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना हो गया बेटा मेरे पास, 100 माइनस एक्स, राइट. और टोटल कितना हो गया बेटा मेरे पास, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा बेटा, 100. अब मुझे बताओ, यहाँ पे
सिंपल सी बात, एबेटोमिक मास कितना किया हुआ 10.80 और ये कितना हो गया बेटा 10x प्लस कितना हुआ 1100 माइनस x डिवाइड बाय कितना हो गया 100। क्या मैं यहाँ से x नहीं निकाल सकता क्या भाई? अब इसको सिंपली सॉल्व करोगे, यहाँ से x निकल के आएगा बेटा मेरे पास 20%। 20% मतलब क्या हुआ बेटा, B10 का जो परसेंटेज अबंडेंस था, तो B11 का कितना आ गया बेटा मेरे पास 100 माइनस x, दैट इज 100 माइनस 20 कितना आ गया बेटा मेरे पास 80%। तो बहुत इजीली अपन इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा बच्चों, आप खुद भी ट्राई करिएगा इसको। ठीक है, पहले खुद ट्राई करिएगा उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। जैसे एक IIT JEE 2009 का क्वेश्चन था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, इसमें गिवन था, गिवन दैट द अबंडेंसेस ऑफ आइसोटोप्स, दैट इज मान लीजिए आयरन के आइसोटोप्स थे Fe54, Fe56 and Fe57। ठीक है भाई, ये तीन मुझे गिवन था, इनके परसेंटेज थे बेटा 5%, 90% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। अब ये बोल रहा था कि मुझे एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास मुझे बताना है किसका भाई, किसका, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आयरन। ठीक है भाई, अब जैसे अगर अपन बात करें भाई यहाँ पे, तो सबसे पहले एवरेज एटॉमिक मास मुझे निकालना है। तो देखो यार, इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है भाई, Fe54 का था 5%, तो इसका एटॉमिक मास भाई क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप फर्स्ट दैट इज 54 मल्टीप्लाई बाय इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना हो गया 5, प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना हुआ बेटा मेरे पास 90, प्लस मुझे एक चीज बताओ एटॉमिक मास ऑफ थर्ड आइसोटोप दैट इज 57 और इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना हुआ अगेन 5। टोटल परसेंटेज कितना हो गया बेटा मेरे पास 100। क्या अपन सॉल्व नहीं कर सकते? जब इसको अपन सॉल्व करेंगे दैट विल कम्स 55.95 U, दैट इज AMU बोल दो या U बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। कर सकते हैं नहीं कर सकते भाई? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। जैसे अगर बच्चों मान लीजिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू आइसोटॉपिक फॉर्म दैट इज Cl35 एज वेल एज Cl37। गॉट इट? अब ये बोल रहा है किस रेशो में, 3:1 के रेशो में। तो बोल रहा है एवरेज एटॉमिक मास बताओ क्लोरीन का। अब इसको करने के यार दो तरीके हैं, सिंपल। 3:1 का रेशो है तो भाई मैं कह दूँ 3:35 है और 1:37 है, तो या तो मैं परसेंटेज में भी ले सकता हूँ, दैट इज़ 75%, दैट इज़ 25%। भाई 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हुआ बेटा आपका 75% और Cl37 कितना हुआ 25%। या फिर मैं वैसे भी देख सकता हूँ टोटल पार्ट कितना हुआ 4। तो देखो, या तो सबसे पहले मैं कह सकता हूँ परसेंटेज की बात करें तो Cl35 कितना हो गया बेटा आपका 3 पार्ट, मतलब 4 में से 3 पार्ट, मतलब कितना हुआ 75%, और परसेंटेज ऑफ Cl37 कितना हो गया बेटा मेरे पास 25%। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? तो यहाँ से एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया बेटा क्लोरीन का, इसका परसेंटेज कितना हुआ 75 मल्टीप्लाई बाय 35, प्लस ये कितना हुआ बेटा मेरे पास 37 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय कितना हुआ 100। जब भी अपन निकालेंगे तो दैट विल कम 35.5। याद करो भाई, ये लेके चलते हैं क्लोरीन का एटॉमिक मास। या फिर अपन सिंपल सी बात है, यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास अपन निकालना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं भाई, इससे कितना मास 35, कितने पार्ट था 3 पार्ट, इसका कितना बेटा 37 और इसका कितना पार्ट हो गया बेटा मेरे पास 1 पार्ट। ठीक है, इस पूरे को अगर मैं डिवाइड कर दूँ कितने पार्ट हो गए, 3+1 कितना हुआ 4। सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, दैट विल बी 35.5। कर सकते हैं नहीं कर सकते? तो बच्चों अगर इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी स्कोरिंग पार्ट होगा, आप इजीली इसको कर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा, कॉमन सा, बेसिक सा टॉपिक, ठीक है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। यार नाम से पता लग रहा है किसी मॉलिक्यूल का मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ भाई, मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होगा, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। भाई कैसे मिलेगा भाई, हर एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को जितने भी उसके एटम्स हैं उसे मल्टीप्लाई करें और आपस में ऐड कर दे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। बड़ा सिंपल सी चीज़ है। अब जैसे कोई आपसे पूछे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O बताओ, तो हाइड्रोजन के कितने एटम दिख रहे हैं बेटा 2 एटम और एटॉमिक मास कितना होता है इसका 1 AMU मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस कितने एटम है 1, उसका एटम कितना होता है 16, तो कितना आ गया 18 AMU। सिमिलरली NH3 का निकालना है, तब नाइट्रोजन का मुझे पता है कितने एटम दिख रहे हैं 1 एटम
और मास कितना होता है एटॉमिक मास का 40, और हाइड्रोजन है कितना होता है। देखो बच्चों, मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि एटलीस्ट 1 to 20 एटॉमिक नंबर आपको सीक्वेंस याद हो और उनके एटॉमिक मासेस आपको याद हो, एटलीस्ट इतना याद हो। बाकी मेंशन होता है क्वेश्चन से, बट इतना हमें याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एटम कितने होगा, 3 और 1, कितना आ गया मेरे पास 17 AMU बोल दो या U बोल दो। उसके बाद अगर मैं CO2 की बात करूँ, कार्बन कितना हो गया बेटा मेरे पास 1 एटम और इसका मास कितना हुआ 12। ऑक्सीजन कितना हुआ 2 × 32, कितना हुआ बेटा मेरे पास 44 U आ गया। H2SO4 हाइड्रोजन कितना हुआ 1 × 2, इसमें कितने 1 एटम सल्फर का, एटॉमिक मास होता है 32। ऑक्सीजन 4 × 16, कितना सॉल्व करोगे आएगा 98 U। ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, तो भैया 6 × 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना हुआ बेटा 1 × 12 एटम और 1 एटॉमिक मास, और ये कितना हुआ 6 × कितना हुआ बेटा मेरे पास 16। जब अपन ने सॉल्व किया दैट विल बिकम 180। सॉल्व कर सकते हैं भाई। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपन बढ़ते हैं, दैट इज फॉर्मूला मास। यार देखो, फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एज सच कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अगर बच्चों मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मूला मास की बात कर रहा हूँ, अगर कभी न्यूमेरिकल आएगी इसका, जैसे मैं बोलूँ NaCl का मॉलिक्यूलर मास है आपका 58.5 U, तो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर मास की जगह जो बेटर टर्म होगा दैट विल बी फॉर्मूला मास। लेकिन दोनों का जो कंसेप्ट है वो कुछ करके एक जैसा ही है, बट इसमें हेयर लाइन डिफरेंस क्या है वो अपन समझते हुए चलते हैं। जैसे बच्चों मान लीजिए मैं सॉलिड कंपाउंड्स की बात करूँ, आयनिक सॉलिड्स की बात करूँ, तो सबसे पहले उसका जो कंपाउंड का फॉर्मूला होता है वो पूरे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, बट वो केवल और केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इट ओनली रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ डिफरेंट आयंस इन द कंपाउंड। फॉर एन एग्जाम्पल मैं NaCl की बात करूँ, आप पढ़ेंगे भाई रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में भाई हर एक Na+ 6Cl- से घिरा हुआ होता है और हर एक Cl- 6Na+ से घिरा हुआ होता है। तो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास में Na6Cl6 मतलब 23 Na का मास प्लस इंटू 6 प्लस 35.5 × 6 थोड़ा कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे अपन देखते हैं बच्चों फॉर्मूला यूनिट। अब फॉर्मूला यूनिट क्या हो गया, बस फॉर्मूला यूनिट आपको ये बता रहा है सिंपलेस्ट रेशियो में डिफरेंट आयंस इन द कंपाउंड। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूँ तो देखो, सबसे पहले मैं NaCl की बात करूँ, Na6Cl6 मतलब क्या हुआ सिंपल NaCl, तो NaCl क्या बन गया इसका फॉर्मूला यूनिट। अब फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को ऐड कर लो, मुझे मिल गया क्या फॉर्मूला मास, जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर मास। तो वापस सुनिएगा, इन केस ऑफ सॉलिड कंपाउंड्स फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड डज नॉट रिप्रेजेंट दैट मॉलिक्यूल, बट इट ओनली रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ डिफरेंट आयंस इन द कंपाउंड, और उसे अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों फॉर्मूला यूनिट, ठीक है भाई। तो वहाँ पे अपन जनरली बेटा मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या यूज कम कर लेते हैं बच्चों फॉर्मूला मास। तो मैं फॉर्मूला मास को डिफाइन करना चाहूँ तो फॉर्मूला मास ऑफ द कंपाउंड इज ऑब्टेन बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन द फॉर्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। क्लियर है भाई। जैसे मैं एग्जांपल क्या लेके चल रहा हूँ बेटा NaCl, तो NaCl Na+ होता है और Cl- होता है, ठीक है भाई। 3D के अंदर कैसे अरेंज होते हैं, हर एक Na+ किससे सराउंडेड है बेटा 6Cl- से, और हर एक Cl- किससे सराउंडेड है बेटा 6Na+। तो भाई सोडियम क्लोराइड के अंदर जैसे कोई आपसे बोले मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, ठीक है भाई सेम जैसे अपन निकाल रहे हैं, बट जो बेटर टर्म होगा दैट विल बी फॉर्मूला मास। क्यों भाई, NaCl की फॉर्मूला यूनिट क्या हो गया भाई Na1Cl1, तो भाई यहाँ पे इसका मुझे फॉर्मूला मास निकालना है, तो दैट विल बी एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो कितना है 23 प्लस 35 दैट विल 58.5 U बोल दूँ या AMU बोल दूँ। सिमिलरली कोई मुझसे बोले भैया KCl का फॉर्मूला मास बता दो, तो सेम भाई K का होगा 39, इसका 35 दैट विल बी 74.5। तो आई थिंक बड़े सिंपल से बेसिक से कंसेप्ट से जो हमें कभी कभी कन्फ्यूज करते हैं व्हाट इज एटॉमिक मास, सिंपल रखे 12 AMU, ठीक है भाई 12 AMU का C12 को अपन ने असाइन किया और एक C12 एटम के मास का 1/12 हो गया दैट विल बी इक्वल्स टू 1 AMU, ये इंपॉर्टेंट था भाई। उसके बाद एवरेज एटॉमिक मास कैसे अपन ने एवरेज निकाला, बड़ा सिंपली अपन निकाल सकते हैं मॉलिकुलर मास, तो भाई जितने भी उसमें एटम्स हो गए एलिमेंट्स के उसको अपन ने ऐड किया किसी मॉलिक्यूल के अंदर दैट विल बी इक्वल्स, उनके एटॉमिक मासेस को ऐड किया दैट विल बी इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास। फॉर्मूला मास इन सब का अपन ने हेल एंड डिफरेंस समझ लिया, दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बेस है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।